एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आज है हम एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है NCERT एक्ट। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इसको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिए, सो हम लेके आ गए हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सिंपली मीन्स ये एक कंपनी एक्ट के लिए एक लॉ बना था, ठीक है। एक ट्रिब्यूनल काइंड ऑफ है जिसमें जजमेंट होता है, सिमिलर होता है कोर्ट प्रोसीडिंग के, ठीक है। जैसे कोर्ट में प्रोसीड किया जाता है, कोर्ट में जो प्रोसीड किया जाता है वह सबके लिए किया जाता है, लेकिन एक कंपनी के लिए स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि एक्ट आया था स्पेशल काइंड ऑफ, जिसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आज फेस होता है और सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है वो इस एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। अंदर सेक्शन 408 कंपनी एक्ट 2013, ये जो पर्टिकुलर ईयर होते हैं याद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी मान लीजिए कॉम्पिटेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन और कंपनी एक्ट कब आया था ये सब पूछा जाता है। अगर थ्योरेटिकल है तो भी आप क्लियरली इसको मेंशन कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब जो कि सेम काइंड ऑफ मतलब सिमिलर नहीं है कोर्ट के, लेकिन हाँ जजमेंट करने का जो कह सकते हैं राइट इनको भी उतना ही है। मतलब कंपनी लॉ के अंदर अगर आपको जजमेंट की बात है तो इनका जजमेंट और एज अ कोर्ट का जजमेंट सेम माना जाता है, ठीक है। इक्विटेबल जुडिक्शन होता है जो कि एक्सरसाइज अर्लियर किया जाता था बाय द हाई कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। द ट्रिब्यूनल हैज़ पावर्स टू रेगुलेट इट ओन प्रोसीजर, अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने का पावर है। एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ था NCERT का कंसोलिडेटेड कॉर्पोरेट जुडिक्शन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़, कुछ ये फॉलोइंग अथॉरिटीज़ थे, ठीक है। इनका कह सकते हैं ये सब अपॉइंट हुए थे। कंपनी लॉ बोर्ड था पहला, सेकंड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, थर्ड एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फोर्थ है जुडिक्शन एंड पावर रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप। जितने भी जजमेंट होते हैं पावर रिलेटिंग जो भी वाइंडिंग अप से हैं, ठीक है, बंद करने कंपनी को या रिस्ट्रक्चर दोबारा से, एंड अदर सच प्रोविजन वेस्ट इन द हाई कोर्ट, वेस्ट किए जाते थे हाई कोर्ट में, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेट अफेयर हैव बीन सेटअप करती है 11 बेंचेस। मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर है 11 बेंचेस लगाती हैं, जिसमें वन प्रिंसिपल बेंच होता है न्यू दिल्ली में। दीज बेंचेस विल हेडेड बाय, ये जो बेंचेस हैं इनको हेड कौन करता है, प्रेजिडेंट करते हैं। 16 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 9 टेक्निकल मेंबर होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। अब नाउ पावर्स आ जाते हैं NCERT के। सो फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द पावर्स होते हैं कंपनी लॉ बोर्ड का वो आता है अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ज़्यादातर पावर्स अब कंपनी एक्ट के अंदर ही आ जाते हैं 1956 के। ऑल द पावर ऑफ BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR के अंदर आते हैं सारे पावर फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलेशन, ठीक है। रिवाइवल और रिहेबिलेशन जो होते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, ठीक है, उनको रिहेबिलेशन करने का रिवाइवल करने का पावर किसके पास है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, जो इसी का करके एक एक्ट है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1958, उसके अंदर दो क्वासी जुडिशियल लॉ हैं। पहला तो है BIFR, दूसरा है AAIFR जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पावर है पावर ऑफ हाई कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ मर्जर, ठीक है। जो भी मर्जर के जो इतने भी पावर होते हैं हाई कोर्ट में वो डीमर्जर, ठीक है, मर्ज करना दो कंपनी है उनको एक साथ मिलाना, डीमर्ज उनको अलग करना, ठीक है, एमलगेमेशन दो को मिला के नाम एक जिस दो का अलग अलग नाम है उनको कॉमन कर लेना, वाइंडिंग का बंद करना। फोर्थ है पावर टू ऑर्डर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, पावर इनके पास कि जो भी डिपॉजिट है बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उसको क्या करना, रीपेमेंट करना एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 45QA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसको जो भी ये पॉइंट्स हैं इनको एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट है पावर टू वाइंड अप कंपनीज, ठीक है, इनके पास पावर होता है कंपनी को वाइंड अप करने का। NCERT के पास क्या पावर है, वाइंड अप करने का भी पावर है इनके पास, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। सो सिक्स है पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, अपने खुद के ऑर्डर को रिव्यू करने का भी इनके पास पावर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनने जो दे दिया वही लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऑर्डर्स को ये रिव्यू भी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके,
So NCLT shall have powers and jurisdiction of the Board for Industrial and Financial Reconstruction. ठीक है, इनके पास ये पावर है जुडिक्शन करने का BIFR के में भी, एंड द अपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. कंपनी लॉ बोर्ड में भी ये इनके पास पावर है, ठीक है, जजमेंट करने का. हाई कोर्ट रिलेटिंग जितने भी हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं उनको, अरेंजमेंट और मर्जेस, एमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से कंस्ट्रक्शन करने का कंपनीज को, बाइंडिंग अप एसेट्रा, ये सारे के सारे पावर रखता है. ठीक है, NCLT नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, लॉ ट्रिब्यूनल. ठीक है, थस मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन बिफोर वेरियस कोर्ट्स और जुडिशियल बॉडी और हैव बीन शॉट टू बी अवॉइडेड, ये अवॉइड की जाते हैं. पावर जो होता है NCLT का शेल एक्सरसाइज बाय द बेंचेस कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं बेंचेस, ठीक है, उसके अंदर ये पावर होता है NCLT को कि वो एक्सरसाइज करते हैं अपने पावर्स को. सिग्निफिकेंस है कि रिजोल्यूशन जो होते हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड रिलेटिंग टू कंट्रीज अफेयर्स हैज़ बीन एक मेजर रोड ब्लॉक होता है. ठीक है, जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ईज ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये रोड ब्लॉक होता है. अगर आपको, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में अपना एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना मिले इंडिया में, ठीक है, आपको कभी ये लाओ कभी वो लाओ और बहुत ज़्यादा टाइम लगे एक बिज़नेस को स्टार्ट करने पे, आप मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी स्टार्ट करने में ही आपका टाइम लग जाता है, मतलब आपके पास मनी भी है, कैपिटल भी है स्टार्ट करने का, लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है, आगे कोई डिस्प्यूट आता है जिसके कारण आपको रिजोल्यूशन चाहिए, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक मेजर रोड ब्लॉक या फिर एक प्ले करता है, जिसकी वजह से ईज़ ऑफ बिज़नेस जो डूइंग है वो कम हो जाती है. इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है कि ईज़ ऑफ जो डूइंग बिज़नेस है कि आसानी से कैसे बिज़नेस को किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए. आपने देखे होंगे अभी रिसेंटली भी बहुत सारे मतलब काइंड ऑफ लोन डिस्प्यूट को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इन सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है. इसीलिए बहुत अलग अलग मतलब कोर्ट को छोड़ के अपना कंपनी का एक अपना कोर्ट होना, जिससे जो आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन. सो थाउजेंड्स ऑफ केसेस अगर पेंडिंग रहेंगे कोर्ट में तो ये डिस्पेक्ट करता है लीगल टाइमलाइन. जो रिजोल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ऐसे सिनेरियो में न्यू इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इवन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज है, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा चाहे यहाँ की कंपनी हो बाहर की कंपनी हो, वो यहाँ क्यों रहना चाहेगी, वो प्रेफर करना चाहेगी कि वो अपने हेडक्वार्टर्स को क्या कर दे, शिफ्ट कर दे आउटसाइड द कंट्री. ठीक है, कि जो अपने हेडक्वार्टर हैं उनको क्या कर दे, बाहर की साइड शिफ्ट कर दिया जाए, सो दैट कि उनको ज़्यादा बिजनेस अच्छे लोकेशंस, ठीक है, अच्छे लोकेशंस चूज़ करेगी, जैसे कि सिंगापुर टू ऑपरेट. डिले इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नॉट ओनली स्टैग्नेट द न्यू इन्वेस्टमेंट में भी इससे फ़र्क पड़ेगा, ऑल्सो लेट टू डिवेल्यूशन ऑफ असिस्टेंट एंड इंक्रीज इन एफिशेंसी ऑफ मार्केट एंड बिजनेसेस. मार्केट और बिजनेसेस में इनएफिशेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, ये एक इंडस्ट्री जो कि अलग अलग कंपनीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं या फिर बिजनेस, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. ठीक है, यही तो मार्केट है जो पूरे इकोनॉमी को चलाती हैं. अगर यहीं पे सही से रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी क्यों रहना चाहेगी, जब उसको सही से सॉल्यूशन ना मिले तो वो बाहर अपना ऑपरेट करने की कोशिश करेगी, बाहर कहीं लोकेशन पर. 2016 सेवरल बॉडीज़ जैसे कि कंपनी लॉ बोर्ड है या बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है या फिर अपेलेट अथॉरिटी है फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की, ये सब रिस्पॉन्सिबल होती थी जज करने के डिस्प्यूट कंपनी अफेयर से रिलेटेड या फिर और कोई गवर्निंग बॉडीज फॉर ऑल्सो डीलिंग द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. तो ये सब क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले होता था. फिर क्या किया, फॉर्मेशन किया गया NCLT का एंड NCLAT का, इस एक सिग्निफिकेंट स्टेप कहेंगे टुवर्ड फास्ट एंड एफिशिएंट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अफेयर्स इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए फास्ट और एफिशिएंट रिजोल्यूशन जल्द से जल्द डिस्प्यूट्स का हो, तो ये एक स्टेप सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया. ठीक है, और बीइंग फ्रॉम द सोलन फोरम डीलिंग विद द कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट दीज ट्रिब्यूनल्स वुड ऑल्सो लिमिट एंड स्कोप फॉर ओवरलैपिंग एंड कंफ्लिक्टिंग रूलिंग या फिर मिनिमाइज कम से कम डिले हो, मतलब कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम डिले हो रिजोल्यूशन पे ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है,
इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिफरेंट डिसीजंस ऑन सेम मैटर बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स, एक ही मैटर में एक ही मतलब सेम मैटर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने की बजाय एक ही कोर्ट में जाएं और अच्छे से डिसीजन लिया जाए, ठीक है, ये इसका मेन मोटिव कह सकते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ जुरिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर, जुरिडिक्शन करना ट्रिब्यूनल मेंबर की हेल्प से एंड जजेस इन डिलीवरिंग यूनिफॉर्म डिसीजन, ताकि यूनिफॉर्म डिसीजन आ पाए। टू एंश्योर फेयर प्ले एंड अवॉइडेंस ऑफ जुडिशियल एरर, फेयर प्ले हो और जुडिशियल में जो एरर आता है इसको अवॉइड करने के लिए द प्रोसीजर लॉ प्रोवाइड करता है फॉर अपील रिविजन एंड रिव्यू, ठीक है, तीन चीज़ इसमें की जाती हैं, आप अपील कर सकते हैं, उसको रिविज़न किया जाएगा और उसको रिव्यू भी किया जाएगा। तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे इस कोर्ट में ले लीजिए या किसी भी कोर्ट में है, ताकि जो रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन आए वो एकदम बायस्ड हो, ठीक है, और एक फेयर मैनर पे हो। एंड ऑल्सो पार्टीज टू फाइल एमनेस्टी एप्लीकेशन एंड रेज वेक्साइज ऑब्जर्वेशंस एज अ रिजल्ट वर्डिक्ट गेट डिले, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द NCLT विल गो टू NCLAT। जो अपील है मतलब कि अगर मान लीजिए आप NCLT के जजमेंट से खुश नहीं है तो आप दूसरे एक्ट में भी डाल सकते हैं, NCLAT एपलेट ट्रिब्यूनल, कुछ नहीं इसमें ए लग गया जिसका मतलब एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, आप इसमें भी अपील कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसके जजमेंट से खुश नहीं है, जो कि पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली डेडिकेट है फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए डेडिकेट है। फर्दर वही रिव्यू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फर्दर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर फिर आपको इससे भी मतलब संतुष्टि नहीं हो रही इसके जजमेंट से भी NCLAT के से भी, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग डिले, इससे क्या होगा डिले में भी आप रिड्यूसमेंट होगा एंड अपील एज अर्लियर जैसे कि पहले होता था। डिसीजन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड वर चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट, जो डिसीजंस है कंपनी लॉ बोर्ड के उसको चैलेंज किया जाएगा, ठीक है, जो कंपनी लॉ बोर्ड के डिसीजंस हैं उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। सो यही था NCLT, होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये एक अच्छा टॉपिक था जिसमें आपने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा, और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा, आप चाहें तो इन सब से नोट्स अपने में कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम, और टू द पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी चीज़ समझ में आई हो, और या फिर कोई फर्दर कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं उसमें वीडियो बनाना, और अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, हमसे जुड़े रहिए और भी टॉपिक आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल द बेस्ट।